रियल एस्टेट, ये एक ऐसा टर्म है जिसे आपने कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना जरूर होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है जमीन या घर बेचने का व्यापार, जिसमें इनकी मैनेजमेंट, ऑपरेशन और इन्वेस्टमेंट में डील होती है। दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, शंघाई, हांगकांग या दुनिया के किसी भी शहर में चले जाइए, रियल एस्टेट करोड़ों डॉलर का कारोबार हो गया है। 10 से 20 लाख के 1 BHK फ्लैट से लेकर के अरबों के अपार्टमेंट्स तक, रियल एस्टेट में लोगों को उनकी जरूरत और ऐशो आराम का ख्याल रखते हुए घर बनाए जा रहे हैं। इनमें जिम, स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स, मिनी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेडिकल फैसिलिटीज, क्लब्स, स्पोर्ट्स एरियाज, गार्डन जैसी हर वो फैसिलिटी रहती है जो आपको लग्जूरियस फील करवाती है। जब भी आप किसी शहर में जाते हैं तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती है वो सभी रियल एस्टेट का हिस्सा है, जिनमें अपार्टमेंट, हॉस्पिटल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, फ्लैट्स, ये सब कुछ शामिल होता है। 2019 तक इंडियन रियल एस्टेट का कारोबार $6 बिलियन पार कर चुका था और बढ़ता ही जा रहा है। और आज आपको क्विक सपोर्ट फुल केस स्टडी करके बताएगा कि कैसे शुरू करें रियल एस्टेट का बिजनेस। आइए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला है, जरूरत है एक कारगर आइडिया डेवलप करने की। रियल एस्टेट एक ऐसा फील्ड है जहां पर बहुत तगड़ा कंपटीशन है। आप किसी भी शहर में चले जाइए, आपको कोई ना कोई इस बिजनेस को करता हुआ तो दिख ही जाएगा। अगर आप इस फील्ड में सक्सेस पाना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस और अपने इंटरेस्ट को पहचानना पड़ेगा। रियल एस्टेट में सबसे जरूरी बात है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन। कोई ऐसी जगह चुनिए जहां पर आप लोगों को ये कन्विंस कर पाए कि उस जगह पे अगर वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, लैंड परचेज करते हैं या फिर फ्लैट या अपार्टमेंट लेते हैं तो उन्हें क्या सुविधा मिलेगी और उनको आपकी प्रॉपर्टी क्यों खरीदनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब मिलना चाहिए जिससे कि वो संतुष्ट हो। और इसके लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी कि बाकी बिल्डर्स या रियल एस्टेट डेवलपर्स ने कहां काम किया है या कर रहे हैं और पब्लिक के बीच उनका रिस्पांस कितना है। इसके अलावा भी आप किस तरह के कस्टमर्स को अपना बायर्स बनाना चाहते हैं, इस पे भी आपका सक्सेस रेट काफी डिपेंड करेगा। क्या आप मिडिल क्लास को उनके सपनों का घर देना चाहते हैं या फिर अपर क्लास को एक स्टेटस सिंबल। आपको उसी आइडिया पे आगे बढ़ते हुए कंस्ट्रक्शन करवाना होगा। नंबर 2 पर आता है एग्जीक्यूशन विदाउट प्लानिंग का मतलब फेलियर। जी हाँ, बिजनेस चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसमें इन्वेस्टमेंट होती है तो उसे प्रॉफिट में बदलने के लिए चाहिए सॉलिड प्लानिंग। रियल एस्टेट के साथ भी ऐसा ही है। अब ये कोई चाय की दुकान खोलने जैसा तो नहीं है कि आप 10 रुपए की चाय पिला रहे हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट हैंडलिंग से लेकर के कंस्ट्रक्शन, क्वालिटी अश्योरेंस, डिलीवरी, फिर मैनेजमेंट, हर बार आपको अपने कस्टमर का भरोसा जीतना होता है। इसीलिए आपके प्लान में ये चीजें होनी ही चाहिए। सबसे पहला है मार्केट रिसर्च। आप अपने बिजनेस में किस तरह के लोगों को सर्विस देना चाहते हैं, आपके प्रोडक्ट का सेगमेंट क्या है, जियोग्राफिक लोकेशन और आप लोगों की कौन सी जरूरतों को पूरा करना चाहते हैं, ये सभी आपके पास डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए ताकि आप अपना पर्पस बता पाए। एक कस्टमर के तौर पे आप रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को विजिट करें, उनसे उनका बुकलेट ले आइए ताकि आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाए कि बाकी कॉम्पिटिटर्स क्या और कैसी सर्विस दे रहे हैं। दूसरा है सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान। आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस में क्या अलग कर रहे हैं, ये दूसरों से अलग क्यों है, आप अपनी मार्केटिंग कैसे करेंगे और आपके प्रोडक्ट कैसे बिकेंगे, इसके लिए आपको प्रोफेशनल टीम की जरूरत पड़ेगी। तीसरा है मैनेजमेंट प्लान। ऊंचाई पर पहुंचना मुश्किल नहीं होता, वहां पर टिके रहना चैलेंजिंग होता है। रियल एस्टेट के साथ भी कुछ ऐसा ही है। आपने अपना प्रोजेक्ट तैयार कर लिया, लोगों ने उसे खरीद भी लिया, लेकिन उसका मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, इन चीजों पर आपका सक्सेस रेट काफी डिपेंड करेगा। और इसके लिए भी आपको लोग रिक्रूट करने होंगे जो इन सारी चीजों की देखभाल करेंगे, जिसमें लीगल इश्यूज भी रहेंगे। नंबर 4 पर आता है फाइनेंशियल प्लान। रियल एस्टेट में फाइनेंस या आपकी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करने के लिए 3 जरूरी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी हैं। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर 5 पर है प्रोजेक्ट के शुरुआत से ही हायर कीजिए एक लॉयर। जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। रियल एस्टेट में आपको हर कदम पर एक लॉयर की जरूरत पड़ेगी। जमीन खरीदना, पेपर वर्क करना, कोर्ट कचहरी और बाकी लीगल इश्यूज को हैंडल करने के लिए गाइड के तौर पे एक लॉयर आपको हर सिंगल स्टेप पर आपका हेल्पिंग हैंड साबित होगा। अगर कोई भरोसे का लॉयर मिल जाए तो आप उसे बिजनेस पार्टनर भी बना सकते हैं। नंबर 6 पर आता है रियल एस्टेट बिजनेस लाइसेंस। चाहे आप रियल एस्टेट का बिजनेस अपने होम टाउन में करें या फिर किसी दूसरे बड़े शहर में, रियल एस्टेट डेवलपर बनने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है, क्योंकि कई बार कंस्ट्रक्शन साइट्स पर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं और कई बार मजदूरों की जान भी चली जाती है।
ऐसे में लीगल तरीके से काम करना सबसे बुद्धिमानी होगी। और अगर आपका पेपर वर्क पूरा है और आप एक लाइसेंस होल्डर है तो इससे कस्टमर्स का भरोसा जीतना भी आसान होता है। इसीलिए आप अपने बिजनेस फर्म को प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तौर पर रजिस्टर करवा सकते हैं। और टैक्स पेमेंट के लिए GST रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है। लाइसेंस बनवाने के लिए आपको रेरा या रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के अंडर अप्लाई करना होता है। आप अपने स्टेट में लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें अपने लॉयर की हेल्प भी ले सकते हैं। लाइसेंस की वैलिडिटी 5 साल की होती है, इस बात का ध्यान रखें। नंबर 7 पर आता है ऑथेंटिक वेबसाइट बढ़ाएगा आपका बिजनेस। जी हाँ, आजकल कोई भी चीज खरीदने से पहले लोग इंटरनेट पर अपना रिसर्च वर्क कर चुके होते हैं। इसीलिए अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपोजर देना चाहते हैं तो एक ऑथेंटिक वेबसाइट बनवाइए जहां पर आपके प्रोजेक्ट की पूरी सही जानकारी रहेगी। क्योंकि ज्यादातर कस्टमर्स पहले वेबसाइट विजिट करते हैं फिर कहीं जाकर के कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचते हैं। नंबर 8 है, आपके बिजनेस रॉकेट को भी लॉन्च पैड की जरूरत पड़ेगी। मतलब ये कि आप मार्केट में एक प्रोडक्ट लेकर आए हैं और लोगों को ये बताने के लिए आपको भी अपनी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करनी होगी। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स और पॉपुलर टीवी और रेडियो से टाई अप करके आप अपने पोटेंशियल बायर्स तक पहुंच सकते हैं। साथ ही लकी ड्रॉ या दूसरे अट्रैक्टिव ऑफर्स भी आपको कस्टमर तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। तो कुछ इस टाइप के आइडियाज पर आप काम कर सकते हैं। और अब आगे इतना कुछ जानने के बाद बात करें रियल एस्टेट बिजनेस के फायदों के बारे में। तो सबसे पहले तो ये कि रियल एस्टेट के ढेर सारे फायदे हैं, जैसे कि ये गारंटीड सोर्स ऑफ इनकम है जिसमें सही प्लानिंग के साथ की गई इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा अच्छा रिटर्न देती है। आप अपने प्रोजेक्ट्स को बेचने के साथ साथ रेंट पर भी दे सकते हैं जिससे आपको सालों साल एक फिक्स्ड इनकम आती रहेगी। अगर प्रॉपर्टी नहीं भी बिकी तो भी अच्छी लोकेशन पर रेंट पर रहने वाले लोगों की कमी नहीं होगी। दूसरा है, आज के टाइम पर लैंड प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट पे पैसा लगाना मनी मेकिंग बिजनेस है, क्योंकि आए दिन इनकी कीमत बढ़ती ही रहती है। इसीलिए इनकी रीसेल वैल्यू काफी हाई होती है जिससे आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। तीसरा है, रियल एस्टेट बिजनेस में आने से सोसाइटी में आपका स्टेटस भी बहुत बढ़ जाता है और जो प्रॉपर्टी आपने बनाई है वो हमेशा के लिए आपकी ही रहती है, जिसे आप जरूरत के लिहाज से खरीद या बेच सकते हैं। फाइनेंशियली भी आपको और आपकी फैमिली को एक सिक्योर फ्यूचर भी देता है। नंबर 4 पर आता है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट भी देती है। अगर कोई 2 करोड़ रुपए तक का घर खरीदता है तो उसे टैक्स पर बहुत छूट मिलती है जो जून 2021 तक वैलिड भी है। इसके अलावा और क्या टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ये आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के आत्मनिर्भर पैकेज 3.0 में देख सकते हैं। इसके साथ ही आप जानते हैं रियल एस्टेट डेवलपर्स को बैंक से मिलता है लोन। जी हाँ, अगर आप रियल एस्टेट बिजनेस में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं पर सोच रहे हैं कि कैपिटल या फंड्स नहीं है तो आप बैंक से लोन लेकर के भी अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन फाइनेंस या प्रोजेक्ट फाइनेंस में PNB हाउसिंग रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए डायरेक्ट फाइनेंस की सुविधा देता है। आप इसकी डिटेल्स www.pnbhousing.com पर नॉन होम लोन्स पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा SBI भी अपने होम लोन स्कीम्स में कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए लोन प्रोवाइड करता है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर में करियर की क्या संभावनाएं हैं। बिजनेस के अलावा भी रियल एस्टेट एक ऐसा ग्रोइंग सेक्टर है जहां पर अलग अलग ढेर सारे करियर ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें सही नॉलेज और स्किल्स के साथ आप बेहतर जॉब ऑफर्स पा सकते हैं। मार्केटिंग, फाइनेंस, इंटीरियर्स, इंजीनियरिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर्स और एनालिस्ट, ये कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनके बिना कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर आगे बढ़ने की नहीं सोच पाएगा। क्योंकि बाकी चीजों की तरह आपका घर भी एक प्रोडक्ट है जिसकी सही मार्केटिंग ही आपको आपका पोटेंशियल बायर दिलाता है, जिसके लिए स्किल्ड और प्रोफेशनल सेल्स एंड मार्केटिंग के लोग चाहिए होंगे जो आपके बिजनेस टारगेट को अचीव कर सके। ठीक इसी तरह आपके कैपिटल को कहां और कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे यूटिलाइज करना है और कम बजट में कैसे ज्यादा आउटपुट निकालना है, इसके लिए आपको काबिल फाइनेंस टीम भी चाहिए होगी ताकि आप बिजनेस प्रॉफिट को बढ़ा सके। अब अगर जहां कंस्ट्रक्शन होगा वहां इंजीनियर्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, मैनेजर्स और जरूरी चीजों की सप्लाई के लिए एजेंट्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हमने जाना करियर में संभावनाएं क्या क्या है, लेकिन इसी के साथ रियल एस्टेट है एक रिस्की बिजनेस। मतलब ये कि बाकी बिजनेस की तरह रियल एस्टेट में भी रिस्क फैक्टर्स बहुत सारे हैं। इस बिजनेस में आपको लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है जिसके लिए बहुत ही हिम्मत की जरूरत होती है। देखते हैं कि इस सेक्टर के कुछ रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला है कि बहुत से लोग इस सेक्टर में अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ढेर सारा कर्जा ले लेते हैं। ऐसे में अगर इन्वेस्टमेंट गलत लोकेशन पर या गलत लोगों के साथ हो गई
तो पैसे डूबने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और देनदारी बहुत हो जाती है। नंबर दो, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे ही प्रोजेक्ट पूरा किया आपको तुरंत ही कस्टमर खड़ा मिले। कई बार डेवलपर्स को सही दाम पर अपने प्रोजेक्ट्स बेचने या रेंट पर देने के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ जाता है, इसीलिए आप में पेशेंस भी होना चाहिए। तीसरा है कि कई बार सही रिसर्च नहीं करने पर या लोगों या एजेंट्स की बातों में आकर के ऐसी लैंड प्रॉपर्टी पर काम शुरू हो जाता है जो इलीगल निकलती है या जिसपे कोर्ट केस चल रहा होता है, या फिर वो जगह किसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया में होती है जहाँ कई गवर्नमेंट लिमिटेशंस लागू होती हैं। इसीलिए लैंड परचेज करने से पहले हर तरह की इन्वेस्टिगेशन आपके इन्वेस्टमेंट को सिक्योर बनाएगी। तो इन सारे रिस्क फैक्टर्स को अगर सही तरीके से मैनेज किया जाए तो रियल एस्टेट सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी है, जिसमें अगर धैर्य के साथ काम किया जाए तो लॉन्ग टर्म में आप लाखों और करोड़ों में खेल सकते हैं। क्योंकि नौकरी और बेहतर लाइफस्टाइल के लिए लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं और सेटल भी हो रहे हैं। अब किसी बड़े शहर में जमीन खरीद के घर बनाना सबके बस की बात नहीं है, इसीलिए फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स का कल्चर बढ़ता ही जा रहा है और रियल एस्टेट इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा ग्रो कर रही है, जिसमें दौलत और शोहरत दोनों कमाई जा सकती है। आई होप कि रियल एस्टेट बिजनेस पर क्विक सपोर्ट का ये फुल केस स्टडी वाला वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आगे भी ऐसी जानकारियां आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। धन्यवाद।